दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी दूसरे के स्पॉटलाइट वीडियो के म्यूजिक को डायरेक्ट अपने वीडियो में कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी उसके म्यूजिक के साथ आप डायरेक्ट अपना वीडियो कैसे शूट करके स्नैपचैट स्पॉटलाइट में शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं व्यास माजी और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि आप स्नैपचैट स्पॉटलाइट में वीडियो शेयर कर सकते हैं और उसमें भी आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी दूसरे के म्यूजिक को बस एक क्लिक में आप अपने वीडियो में कैसे ऐड कर सकते हैं और उस म्यूजिक के साथ अपना वीडियो कैसे शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन पर स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेना है। स्नैपचैट ऐप को ओपन करने के बाद आपको आ जाना है स्पॉटलाइट में। स्पॉटलाइट में आने के बाद आप उस वीडियो को फाइंड कीजिए जिसमें म्यूजिक ऐड किया हुआ है और आप जिस म्यूजिक को अपने वीडियो में भी ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग उस वीडियो को पहले फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग इसके या फिर मान लीजिए कोई दूसरा वीडियो चलिए फाइंड करते हैं जिसमें म्यूजिक ऐड किया हुआ है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसमें म्यूजिक यानी कोई भी सॉन्ग ऐड किया हुआ है आप उसी म्यूजिक को अपने वीडियो में ऐड करा सकते हैं, जैसे इसमें एक है। तो चलिए हमें क्या करना होगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साउंड शो कर रहा है, इस म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना होगा। इस म्यूजिक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे एक ऑप्शन है यूज साउंड, आपको यूज साउंड में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये म्यूजिक सीधा आपके इस म्यूजिक में ऐड हो जाएगा, यानी जैसे आपके पास क्लिक करेंगे आपका वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और वो म्यूजिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। आपको अलग से म्यूजिक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा म्यूजिक यहाँ पे ऐड हो चुका है। और इसी तरीके से आप किसी के भी दूसरे वीडियो को जो म्यूजिक है उसे आप अपने वीडियो के म्यूजिक में ऐड करके वीडियो शूट करके उसे पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको किसी दूसरे म्यूजिक को भी दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ से कोई दूसरा वीडियो फाइंड कर लेते हैं जिसमें म्यूजिक ऐड किया हुआ है। मान लीजिए इसमें है, तो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर से म्यूजिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज साउंड में क्लिक कर देना है। तो फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो म्यूजिक है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम लोग अगर वीडियो शूट करेंगे तो उसी म्यूजिक के साथ वीडियो शूट करके उसे स्पॉटलाइट में शेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल चुका है कि आप किसी दूसरे के स्पॉटलाइट म्यूजिक को अपने वीडियो में ऐड करके अपना वीडियो शूट करके उसे कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।